अगला प्रश्न मुंबई से है। ये प्रश्न सत्य प्रकाश तिवारी जी की तरफ से है। तिवारी जी का सवाल जो है वो प्रॉपर्टी सेंट्रिक है इनकी, और उस पर अगेंस्ट एक लोन लेना चाह रहे हैं। ये डिटेल है इन्होंने मेंशन किया है। तिवारी साहब, आपने बताया कि आपकी डॉटर की मैरिज है और उसके लिए आप एडिशनल लोन लेना चाह रहे हैं। आपका इस प्रॉपर्टी पर पहले से एक लोन चल रहा है? जी सर। इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पहले ही आपका एक रनिंग लोन है? हाँ, ये एक्चुअली मैंने ICICI बैंक से होम लोन लिया था आज के 5-6 साल के पहले। अभी इस पर कितना आपका आउटस्टैंडिंग है? नहीं, मतलब अभी 10 साल बाकी है पेमेंट करने के लिए। उसका पर मंथ आता है हमको 7,800 रुपये भरने को आता है EMI। ओके, और आप इसका एकदम स्मूथली जो आपकी इसको लेकर पेमेंट्स रही है एकदम स्मूथ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई किसी प्रकार की आपकी जो डीलिंग रही बैंक के साथ? हाँ। आपका अभी तक का जो पूरा अनुभव रहा है, जो आप पेमेंट्स कर रहे हैं सब टाइमली कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? नहीं, कुछ नहीं। अर्लियर कैसा हुआ था, जब भी हुआ था सर, तो उसमें कैसा, हमने IDBI का चेक दिए थे उनको पहले, तो IDBI से होता, हमारा IDBI में सैलरी अकाउंट है, लेकिन उसमें कैसा जो चेक के कुछ नीचे चेंजेस हो गए थे, तो उसके वजह से ना बैंक ने मुझे इन्फॉर्म किया ना मुझे भी कुछ आइडिया, तो हम कैश भरते गए। तो एक साल भरने के बाद फिर हमने वो बैंक में लेटर दे के सेट करा दिया, फिर वो अपना EMI अभी कंटिन्यूअस 10 तारीख। अच्छा तिवारी साहब, आपकी अभी एनुअल इनकम कितनी है, सालाना आय कितनी है? 4.80 है। ओके, आपको रुंगटा साहब बताएंगे। रुंगटा साहब, इसमें प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी एक लोन है, अब ये एडिशनल लोन की बात कर रहे हैं, ऐसे में लेंडर क्या कुछ देखेगा, इनका ट्रैक रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी की कॉस्ट अब कितनी हो गई, मार्केट वैल्यू अगर है, इनकी रीपेइंग कैपेसिटी, ये किस तरह से ये सब फैक्टर्स को देखते हुए कॉल ली जाएगी, कैसे आप इनको बताएंगे? हाँ, तो तिवारी जी, पहले तो बधाई हो आपकी डॉटर की वेडिंग के लिए। ये जो लोन आप चाह रहे हैं, 7 लाख एक्स्ट्रा, 5 लाख आपका एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग है और 7 लाख और आप चाह रहे हैं, तो आपकी इनकम के मुताबिक और 7 लाख लोन एज ए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या एज एन एडिशनल, जिसको टॉपअप लोन कहते हैं, मिलने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, आपकी इनकम इनफ है। आप ICICI बैंक को ही अप्रोच करें, उनसे पूछें कि वो आपको थोड़ा टॉपअप लोन, थोड़ा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देंगे। टॉपअप लोन आपको थोड़ा सा सस्ता मिलेगा, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी महंगा मिलेगा। मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बशर्ते ये जो आप बता रहे थे अभी पेमेंट वाला, उसकी वजह से आपका रिकॉर्ड अगर ख़राब नहीं हुआ होगा, अगर वो समय समय पर आपने कैश जमा करा दिए थे तो शायद आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर रिकॉर्ड खराब होगा तो आपको कहीं पे भी मिलना मुश्किल है, ICICI में या दूसरी बैंक में। कोई कारण से अगर ICICI नहीं दे रहा है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा है, आपकी इनकम इनफ है और ट्रैक रिकॉर्ड अगर आपका अच्छा है, आप दूसरी बैंक में जाएंगे तो वो आपका होम लोन भी टेक ओवर कर लेंगे और एडिशनल आपको जो है टॉपअप लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे देंगे। जो होम लोन है वो होम लोन की रेट से आपको मिल जाएगा और जो टॉपअप लोन है वो थोड़ा सा रेट हाई होगा, करीबन 12-13% तक का रेट आपको उस पर लग सकता है एडिशनल लोन अमाउंट पर। बिल्कुल, तो इस तरह से आप इसको लेकर आगे मूव कर सकते हैं। ये डिटेल्स बाकी स्क्रीन पर हैं। हम इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।